ऑलरेडी किसान भाइयों नमस्कार। एन पंजाब शुगर मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत। हार्दिक अभिनंदन। हम शैलेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक गन्ना। आइए हम आपको बताते हैं गन्ने में स्वच्छ पोषक तत्व का क्या महत्व है, इसका उपयोग आप कैसे करें और स्वच्छ पोषक तत्वों के उपयोग करने से आपको क्या क्या लाभ है। पहले तो किसी भी स्वच्छ पोषक तत्व का प्रयोग करने से पहले या ज़मीन में किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर डालने से पहले आप अपनी मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं, क्योंकि मिट्टी परीक्षण आवश्यक है और मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही आप उर्वरकों की मात्रा का, खाद और उर्वरक की मात्रा का आप निर्धारण करें। देखिए क्या है, स्वच्छ पोषक तत्व आपको जमीन में मिट्टी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसको मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए आप फेरस सल्फेट 10 किलो, जिंक सल्फेट 10 किलो, मैग्नीज सल्फेट 10 किलो और बोरान 2 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो और सल्फर 25 किलो, ये आप जो है प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम जुताई के समय इसे आप मिट्टी में मिला दें और अच्छी तरह से जुताई करें। जुताई करने के बाद आप नाली बनाएं। मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाने से यह पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है और अच्छी तरह से काम करता है। इसलिए स्वच्छ पोषक तत्व जब आप अच्छी तरह से ज़मीन में मिला देते हैं, देखिए बात वहाँ आती है कि किसी भी पौधे में जब कोई रोग या बीमारी लगता है तो पहले पौधा बीमारियों से लड़ने की कोशिश करता है। अगर पौधों में संतुलित आहार आप देते हैं, उचित पोषक तत्व या फर्टिलाइजर का प्रयोग आप किए रहते हैं तो बीमारियों से पौधा लड़ता है और लड़ करके उससे अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो इससे बीमारियों के रासायनिक उपचार आपको समय समय पर बताए जाते हैं, लेकिन पौधे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब देखिए बात ये आती है कि जैविक खादों का प्रयोग। जैविक खाद एक ऐसा खाद है, ये जो भी आप रासायनिक तत्व डालते हैं उसे पौधों को ये उपलब्ध फार्म में बदलता है, उसे कन्वर्ट करता है जिस फार्म में ये उपलब्ध है। यूरिया एमाइड के रूप में पौधे लेते हैं, इसलिए कोई भी पोषक तत्व आप देते हैं तो डायरेक्ट पौधे नहीं लेते हैं, उसका उपलब्ध फार्म अलग होता है। उस उपलब्ध फार्म में इसे बदलने के लिए कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, जैसे एजिटोबैक्टर्स है, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है जो पोटास को मोबिलाइज करता है, यूरिया को, नाइट्रोजन को जो है उपलब्ध फार्म में बदलता है एजिटोबैक्टर्स है, फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया फास्फोरस को उपलब्ध फार्म में कन्वर्ट करता है जिससे पौधे से प्राप्त करते हैं। तो आपको इसको जैविक खाद का प्रयोग करने का तरीका आप ये जान लें, आप गन्ना बुआई के 15 से 20 दिन बाद 1 लीटर एजिटोबैक्टर्स, 1 लीटर फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, 1 लीटर कैस्बी कल्चर, इसको आप 200 लीटर पानी में मिला करके नाजिल खोल कर इसकी आप रेंचिंग, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो आपने फर्टिलाइजर दिया है वो उपलब्ध फार्म में कन्वर्ट होगा और ज़मीन में जो फर्टिलाइजर को उपलब्ध फार्म में बदलने वाले बैक्टीरिया हैं उसकी वृद्धि होगी। तो आपको बताएं ज़मीन में नमी होना चाहिए, जब आप एसिटोबैक्टर्स या फास्फोरस रोस्ट मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया या पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इनका जब आप ट्रेंचिंग करें तो ज़मीन में अच्छी तरह से नमी होना चाहिए। इसका और भी एक तरीका है, आप इसको, इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए
इसके पावर को बढ़ाने के लिए आप जो है गोबर की खाद, आप 5 क्विंटल 500 केजी गोबर की सड़ी हुई खाद ले लें, उसमें 1 लीटर असीटोबैक्टर्स, 1 लीटर फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, 1 लीटर पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको आप अच्छी तरह से मिला करके और इसको आप प्रयोग कर सकते हैं ज़मीन में, और ज़मीन में प्रयोग कर देंगे धीरे 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 ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा और जो गन्ना आप लगाएंगे उसकी मोटाई को बढ़ाएगा और गन्ने में अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए अगर आप रोटेशन अपनाएं, फसल चक्र का अपनाना आपको ज़रूरी है और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें और समय समय पर गन्ने में सिंचाई करें और समय समय पर आपको हम जानकारी देते रहते हैं। अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या करना चाहिए ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है और जैविक उर्वरकों का प्रयोग और स्वस्थ पोषक तत्वों का प्रयोग के बारे में आज आपको बताया गया। नमस्कार, आपको धन्यवाद।